राजा क्या सिंहासन की परिभाषा पाप। ये आपकी कृपा पे नहीं है कि आप कहिएगा कि तीन लोग मिट्टी देंगे। कुछ भी हो आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं। थोड़ी मट्टी देगा भाई, परिवार के लोग दें। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। तो देखा दोस्तों कौन है ये वही शख्स है यूपी के मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी। जब मुख्तार अंसारी का इंतकाल हुआ था तो दोस्तों जब उनका जनाजा में भीड़ बढ़ा, यही एसडीएम साहिबा ने आकर के और अफजाल अंसारी से भिड़ गए, उनसे कहने लगे कि इतना भीड़ जमाने की परमिशन नहीं दी गई है, परमिशन नहीं ली गई है, इतना भीड़ नहीं जमा सकते हैं, इतना आदमी मिट्टी नहीं देगा। तो अफजाल अंसारी ने खुल के जवाब दिया था कि इसकी कोई परमिशन नहीं है, इसकी कोई परमिशन नहीं है, दुनिया में इसकी कोई परमिशन नहीं है। तो यही एसडीएम साहिबा ने कहा कि सब पे एफआईआर करेंगे, तो बोले जो करना है आपको करिए, मिट्टी जो भी शख्स आए हैं यहाँ पे वो मिट्टी देकर जाएंगे। तो दोस्तों ये इनका हाथ नहीं था दोस्तों, एसडीएम साहिबा के ऊपर से प्रेशर था। लेकिन देखिए हालात कब क्या बदलता है इसकी कोई गारंटी नहीं। आप सबसे पहले वो वाला वीडियो आप देखिए स्क्रीन पे। निकाल के आता हूँ, ठीक है। एक एक वन बाय वन निकाल दिया, चार पांच लोग मजदूर लोग हैं या भाई हैं। भाई हाँ, हम गिनते रहेंगे आप मत गिनिए, हम गिनना निकाल चुके। ये आपकी कृपा पे नहीं है कि आप कहिएगा कि तीन लोग मिट्टी देंगे। हाँ, कुछ भी हो आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। थोड़ी मट्टी देगा भाई, परिवार के लोग दें। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? नहीं लेता। 144 लगी हुई है, 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। कार्रवाई करेंगे हम आप सब पे। आप कर लीजिएगा, आप कर लीजिएगा, लेकिन सबकी वीडियोग्राफी हो रही है, सब पे मेरी कार्रवाई होगी, जो जाएगा आप कर लीजिएगा, लेकिन मिट्टी देने से मत रुकिए। निकाल के आता हूँ, एक एक वन बाई वन निकाल दिया, चार पांच लोग मजदूर लोग हैं या भाई हैं। भाई हाँ, हम गिनते रहेंगे, आप मत गिनिए, हम गिनना निकल चुके। ये आपकी कृपा पे नहीं है कि आप कहिएगा कि तीन लोग मिट्टी देंगे। कुछ भी हो आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। थोड़ी मट्टी देगा भाई, परिवार के लोग दें। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? नहीं लेता। 144 लगी हुई है, 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। कार्रवाई करेंगे हम आप सब पे। आप कर लीजिएगा, आप कर लीजिएगा, लेकिन सबकी वीडियोग्राफी हो रही है, सब पे मेरी कार्रवाई होगी, जो जाएगा आप कर लीजिएगा, लेकिन मिट्टी देने से मत। तो दोस्तों इसी को कहते हैं वक्त। वक्त कब किसका आ जाता है इसकी कोई गारंटी नहीं। आज देखिए दोस्तों अफजाल अंसारी ने यूपी के लोकसभा सीट से जीत कर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस एसडीएम साहिबा ने उसे एफआईआर करने की धमकी दी थी, लेकिन आज वही एसडीएम साहिबा ने उसे हाथ में प्रमाण पत्र दे रहे हैं और नज़र नहीं मिला रहे हैं। देखिए जिस तरह से उसे नज़र को नीचे ही किए हुए हैं, आपके स्क्रीन पर ये वीडियो। डीएम साहिबा ने किस तरह से अपना चेहरा छुपा रहे हैं, यानी नजर नहीं मिला पा रहे हैं। वक्त बदल गया है और उन्हें भी अब डर महसूस हो गया कि अब वक्त बदल गया, हालात बदल गए हैं, देश का हालात बदल गए हैं। इसी को कहते हैं वक्त। कब किसका आता है इसकी कोई गारंटी नहीं, इसलिए हमेशा सच के साथ रहे, हमेशा सच बात करे, हमेशा जुल्म के खिलाफ रहे और हमेशा जुल्म जिस पर जुल्म होता है उसके साथ रहे। दोस्तों इस वीडियो को देख करके आपको क्या सीख मिला और इस वीडियो को देख करके आप क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट में जरूर बताएंगे।